प्यारे प्यारे से लगे हुए हैं। एक दो मैं आपको दिखाती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज जज ना करे कोई भी ऐसे, ठीक है। जो नॉर्मल पैड्स हम लोग 60 ml अब्सॉर्ब करता है, तो मुझे नहीं पता है। चल बनाओ मत ज्यादा, लो बोल लेना है, लो जल्दी। एंड नहीं बोलने आता है तुम। हाँ अब यूट्यूब में वो इंस्टा रील्स था ना, बहुत सुंदर लगता है देखने में, देख सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चपाटी खान जी गाइस। हम आ चुके हैं आज पटना के ज्ञान भवन में, क्योंकि यहां पे लग चुका है होली मेला। भाई होली आने वाली, तो ढेर सारे मेले लगने ही वाले हैं। और गाइस अगर मैं डेट की बात करूं ना, तो ये जो मेला है ना, होली मेला हमारा, वो 14 से लेकर 18 तक रहने वाला है, तो बहुत कम दिनों के लिए लगा हुआ है। सो आप लोग भी आके एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए चलते हैं, यही से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अंदर हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन से ढेर सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो चलिए बारी बारी से चलते हैं और कवर करते हैं यहाँ पे मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, बहुत सारे लोग ना बोलते हैं तुम्हारा जो लैंग्वेज है ना बहुत अजीब है, शुद्ध नहीं बोलती हो हिंदी, शुद्ध नहीं बोलती हो। देखो हम बचपन से ही ऐसे ही बोलते आ रहे हैं, हमारे साइड जितने भी लोग हैं सब ऐसे ही बोलते हैं। तो अच्छी हिंदी, हाँ मुझे पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, फिर भी मेरे से गलती हो जाती है, क्योंकि वो मेरा आदत है, हैबिट है, जो कि बदल नहीं सकते ऐसे। तो मेरा ये मतलब रहता है जब भी हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग के समझ में तो आ जाता है ना, बस वही समझाना है मुझे। तो प्लीज़ जज ना करे कोई भी ऐसे, ठीक है, क्योंकि वही मेरा एक्सेंट ही वही है, ठीक है। होली मेला का वीडियो बना रहे, तो स्टार्टिंग से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारे मैम के स्टॉल पे हम विजिट कर चुके हैं एंड इनके पास ना वन पीस, कुर्ता, जो भी सेट वाले आते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक ही स्टोर पे ना देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देख सकते हो इस टाइप की, एक दो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ देख सकते हो, और इनके यहाँ जो हैंड वर्क वाली पीस है, और ये जो रहती है ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक यूनिक, मतलब एक पीस आपको रिपीटेड ऐसे नहीं देखने को मिलेगा, हर पीस अलग अलग होता है, पहन दे तो किसी से मिलने जुलने के चांसेस ही नहीं रहता है ना। जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड इनके पास ना स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है 499 rupees से, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस से आप ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सस्ता मेला ये वाला हमारा लगा हुआ है, ठीक है। एक तो मैं दिखा देती हूँ, वैसे बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। सो मेला रहने वाला है 18 तक, ठीक है, तो आप लोग आ सकते हो एंड होली के लिए शॉपिंग कर सकते हो। सुंदर सुंदर सी सूट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, पैंट यहाँ पे ना चिकन कुर्ती के बहुत सुंदर सुंदर से ऑप्शंस मिल रहे हैं आप लोगों को, देख सकते हो इस टाइप के, ठीक है, एक लाइन से लगे हुए हैं। शॉर्ट शॉर्ट में बहुत सारे लोगों को पसंद रहता है इस टाइप की कुर्ती, तो आप वो भी ले सकते हो। प्राइस रेंज की बात करें तो 500-500 rupees में आपको इस टाइप की कुर्ती यहाँ पे मिलने वाली है, सुंदर सुंदर सी व्हाइट में। होली है तो भाई व्हाइट तो पहनना बनता है ना, सो लॉन्ग में अगर लेना चाहते हो तो वो भी आपको इस टाइप के देखने को मिल जाएंगे, ढेर सारे चिकन वाले और कॉटन वाले दोनों ही मिल जाएंगे। इस साइड से भी सेम बहुत सारी कुर्ती लगी हुई है, देख सकते हो। ये सब कुर्ती इस टाइप की होती है जो कि हमेशा ही ट्रेंड में बनी रहती, कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ले सकते हो सस्ते सस्ते प्राइस में इस मेले में, नहीं तो मेला भाई गया तो ये सब कुर्ती भी गई, आप नहीं ले पाओगे। फिर दोनों तरफ से बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना पर्स वगैरह के बहुत सुंदर सुंदर से कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, इस टाइप के सत्तू चना आटा बहुत सारी चीजें, मधुबनी पेंटिंग वाली चीजें देते तो बैग्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट स्टॉल पे हम लोग विजिट कर चुके हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते, हम लोग के स्टॉल में है सैनिटरी पैड्स है, अल्ट्रा थिन और फ्लफी स्ट्रेट वाला भी, और कस्टमाइज कैरी बैग्स है एंड बॉक्सेस, केक बॉक्सेस, पिज्जा बॉक्सेस हम लोग सब रखते हैं। अच्छा, नॉर्मल पैड और इसमें क्या मतलब डिफरेंस है? ये अल्ट्रा थिन क्या है, एक तो इसमें कॉटन यूज नहीं होता है, तो अच्छा। जो प्रॉब्लम रहता है लेडीज, क्योंकि कॉटन इकट्ठा हो जाता है, वो चीज नहीं है इसमें। सैप जेल टेक्नोलॉजी है, अच्छा। मतलब पूरा जो ब्लड है वो एकदम उसमें जेल में बदल जाएगा। अच्छा। जो नॉर्मल पैड हम लोग 60 ml अब्सॉर्ब करता है, ये 120 ml अब्सॉर्ब करता है, उस हिसाब से सबको इसमें रैशेज और कुछ नहीं है, काफी कम है। हाँ, और हम लोग 48 में 7 पैड्स है अभी। अच्छा। तो 20% डिस्काउंट चल रहा है हम लोग का। गाइस आगे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे सुंदर सुंदर सी मधुबनी पेंटिंग देखने को मिल जाती है इस टाइप की, बट दुकानदार भाई साहब कहीं पे गायब है, खैर कोई बात नहीं, मुझे क्या, ठीक है। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो मुझे नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। एंड ये फ्रेम्स वगैरह वही आपको 200, 250, 400, 500 ऐसे करके मिलेंगे, आप यहाँ पे आके पता कर सकते हो। बेचारे का एक शीशा फूट गया, देखो दीदी शीशा फूट गया,
एंड ये छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना वही 150-200 में ऐसे करके आपको मिलेंगे। मतलब तो अगर आप अपने घर में लगाते हैं थोड़ा सा एस्थेटिक लगता है जो कि आजकल हर कोई ही बनना चाह रहा है। तो फाइनली हमारे यहाँ पे ऑनर आ चुकी है एंड इन्होंने बताया 500 रुपीज से यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है ये सब वाला, देख सकते हो इस टाइप के जो भी फ्रेम्स में लगे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप के स्टॉल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे फाइबर की चीजें मिल रही है। देख सकते हो फाइबर नहीं है ये, कुछ और ही लगता है, फूट जाएगा उस टाइप का है। ठीक है, फाइबर पता नहीं क्या है, इसको क्या बोला जाता है हमको नहीं पता। बहुत सारा किचन का यहाँ पे सामान आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली बर्तन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हो थाली जग जो भी मग जो भी होता है ना इस टाइप के चम्मच वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सब थाली कितना क्यूट लग रहा है देखने में, देख सकते हो इस टाइप की सुंदर सुंदर सी थाली। भैया कैसे मिलेगी ये सब? अच्छा वेट के हिसाब से मिलता है। अच्छा भैया ये फाइबर नहीं है ना, ये बैम्बू है। वही तो हम सोच रहे थे कि फाइबर ये लग नहीं रहा था, ज्यादा एस्थेटिक लग रहा है लाइक ये सब देख सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस मिट्टी की चीजें आपको देखने को मिल जाएगी इस टाइप की। ऐसे नॉर्मली ढक्कन जैसे गिरा तो फूटेगा भी, फूट जाएगा क्योंकि मिट्टी का है, अगर मिट्टी का नहीं रहता तब नहीं फूटता। ठीक है, एंड इनके यहाँ ना आपको देख सकते हो यहाँ पे मिट्टी का फ्राई पैन से लेकर सूप बॉल, मिट्टी का टी सेट सब कुछ आपको, घड़ा वगैरह सब कुछ, बॉटल वगैरह जो भी होती है ना वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी इस टाइप की। मतलब ऐसे नॉर्मली लोग घड़ा खरीदते हैं देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, पैंट वेंट किया हुआ रहेगा तो थोड़ा सा वो आइटम अलग बन जाएगा डेकोरेशन का और आपका काम भी बन जाएगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा सही लगता है इस टाइप की चीजें देखने में, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट गाइस आगे आ चुके हैं एंड हर मेला में आपको एंड, हाँ एंड नहीं तो फिर लोग बोलेंगे एंड नहीं बोलने आता है तुम। यहाँ पे ना गाइस देख सकते हो बहुत सुंदर सुंदर से जूते वगैरह देखने को मिल जाएंगे इस टाइप के, प्यारे प्यारे से लगे हुए हैं बहुत सारे जूते के, लाइक बहुत सारे कलेक्शन है इनके पास देख सकते हैं इस टाइप। भैया कितने से स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है? 450 स्टार्टिंग है, 650 तक। अच्छा 450 रुपीज से इनके पास ना स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है। एंड सिर्फ जूती में ही अलग अलग टाइप के जो हील्स वाले नहीं होते हैं उस टाइप के भी मिलने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन लगे हुए हैं भाई। तो लोकल जो आता है खेतान मार्केट वाला उस टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। अब ये मत बोलना कि खेतान मार्केट से क्यों कंपैरिजन कर रही हो, ऐसे ही बोला जाता है कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें। हाँ हाँ अब यूट्यूब में वो इंस्टा रील था नहीं छोटा सा। हाँ तो गाइस नेक्स्ट स्टॉल पे हम लोग विजिट कर चुके हैं एंड भैया के पास ना बहुत सुंदर सुंदर से सूट के पीसेस हैं देख सकते हो। और प्राइस रेंज की बात करूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये होने वाला है, देख सकते हो 999 रुपीस में आपको बहुत सुंदर सुंदर से सूट के पीसेस मिल जाएंगे। भैया कौन कौन सा फैब्रिक रहेगा इसमें? चंदेरी फैब्रिक है, ऑर्गेंजा है, ऑर्गेंजा जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में, सिल्क कॉटन सब में मिलेगा। अच्छा सारे आपको फैब्रिक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और कमी नहीं है इनके पास वेराइटीज की, बहुत सुंदर सुंदर से हैं देख सकते हो इस टाइप के, लाइक वो पिंक वाली कितनी प्यारी लग रही है ना, जो भी आपको चाहिए ना हर तरह के मिल जाएंगे यहाँ पे। वैसे आप नॉर्मली लेते हो ना 2500-2000 ऐसे करके मिलते हैं बट यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सस्ते प्राइस में, मतलब 1000 रुपए में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप आ सकते हो, भैया का थोड़ा सा फेस देख लीजिए ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो इधर उधर ना जा, तो आप आके ले सकते हैं। और गाइस इस साइड से देख सकते हो भैया के पास बहुत सुंदर सुंदर से लहठी के कलेक्शन अभी लगा ही रहे हैं देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीडाइज वाले भी लगने वाले। कितने कितने को मिले भैया ये सब? अच्छा 350 का पेयर मिलेगा, 350 रुपए में आप लोग को मिलने वाले हैं, बहुत सुंदर लगता है देखने में देख सकते हो। भैया लगा ही रहे हैं स्टॉल, थोड़ा सा लेट में चल रहे हैं भैया। इस टाइप के देख सकते हो, उस साइड से देख सकते हो आपको ढेर सारे ऐसे मम्मी लोग पहनती नहीं लहठी चूड़ी उस टाइप की आपको मिलने वाली है। इनके पास इतना बड़ा बड़ा पूरा भर के लगाएंगे जयपुरी, आपको जयपुरी लहठी जो हमारा होता है ना बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। तो गैस हम अभी आ चुके हैं सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉल के पास। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैम के पास ना कुछ डमी पीसेस लगे हुए हैं डायमंड की तरह दिखने वाला चीज, ये है क्या ये आपको मैम बताएंगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना ये डायमंड की तरह लगने वाला चीज, क्या है ये? डायमंड ही है, ये लैब में बन रहा है, इसलिए लैब ग्रोन डायमंड है। अच्छा, और हमारे मोदी जी सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट लेडी इंडिया अमेरिका की जो है बिल जाइडन, हाँ, उनको गिफ्ट किया था। हाँ उनको 7.5 कैरेट का गिफ्ट किया था, वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और हम लोग चाहते हैं इंडिया की करेंसी इंडिया में ही रहे। ये बकायदा बन रहा है, ये इंडिया का ही है प्रोडक्शन अपना, इसलिए और क्या कहूँ इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह सेम टू सेम हाँ, है। तो मधुबनी पेंटिंग वाली बैग्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। तो गैस यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉल पे आपको ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, लाइक ये सब ना आपको हर मेले में लगभग देखने को मिल जाएगी, छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट से स्टिकर्स टाइप के, रिंग्स वगैरह जो भी होते हैं ना कछुए वगैरह,
ये सारे मिल जाएंगे इस तरह के, बहुत प्यारे प्यारे। और गैस आगे हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स वाली देख सकते हो, हैंडमेडेड है क्या आंटी का, हम बना चुके हैं बहुत बारी उनका, देखे हुए तो पहचान गए, हर बार तो लगाती हैं आप। अच्छा ये बड़े वाले जो भी झुमके देख रहे हैं सबके प्राइस हैं 150 रुपये, और ये छोटे छोटे वाले जो भी देख रहे हैं सब 60 रुपये आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सेट वाले में भी हाँ इस टाइप की मिल जाएगी, देख सकते हो ये सब पीसेस में काफ़ी ज़्यादा अलग रहती है, मतलब किसी से मिली जुलेगी नहीं, बहुत अलग रहती है इस टाइप की, तो क्यूट लग रहा है देखने में। पॉट वगैरह बहुत सारे, गुल्लक वगैरह मिल जाएगी यहाँ। तो गैस आगे हम लोग आ चुके एक और स्टॉल पे जहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर से ना डेकोरेशन के आइटम्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत यूनिक यूनिक स्टाइल में देख सकते हो, जैसे कि ये सब लैम्प वगैरह, टेबल लैम्प ऐसे आप रख सकते हो नॉर्मली, ठीक है। और मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है क्योंकि मैं बहुत देर से बोले जा रही हूँ इस वजह से। एंड यहाँ पे रिंग्स वगैरह भी काफ़ी सुंदर सुंदर से मिल रहे हैं इस टाइप। गैस भैया के पास ना बहुत सारी चटपटी सी चीज़ें हैं, जैसे तो पापड़ वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे छान के रखे, गार्लिक वाला है। खाना चाहते हैं चटपटी चीज़ खाना चाहते हैं तो आप इनके स्टोर पे विजिट कर सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर से हम तो मांग मांग के खा रहे हैं। चटपटी टेस्ट करके बताते हैं। सबसे लास्ट में आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको डोरमेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे इस टाइप के, वेलकम लिखे हुए देख सकते हो, सुंदर सुंदर सा पीस मिलेगा। एंड प्राइस रेंज की बात करूँ तो 150 रुपये में मिलने वाले, वैसे नॉर्मली भी 100 रुपये 150 रुपये मिलता ही, अच्छी क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। एंड कालीन वगैरह भी देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि ऐसे बिछाने पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में, चूँकि एंड यहाँ पे ना इनके स्टोर पे ना बहुत सारी सुंदर सुंदर सी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि सारा श्रृंगार का सामान मिलेगा, भगवान जी का सामान है, भगवान जी का सारा श्रृंगार का सामान, सारा श्रृंगार का सामान, ज्वेलरी जो भी होते हैं ना कृष्ण जी का मिलेगा, सारा सामान आपको मिलेगा। तो गैस देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर सुंदर से आपको लाइक इस टाइप के मुकुट वगैरह देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं चलो पे वो कवर करने के लिए, चल चल बनाओ मत ज्यादा, ले जो लेना है लो जल्दी बोले जो लेना है लो जल्दी बनाओ मत ज्यादा। तो इनके पास ना डिजिटल प्रिंट वाली सूट के कपड़े, तो आप अपने हिसाब से सिलवा सकते हो, यहाँ पे फैब्रिक मिल जाएंगे जैसा कहोगे वैसा सिलवा देंगे। अच्छा सिलवा भी देंगी आप? हाँ। सब कुछ करवा देंगे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आके यहाँ पे आपको पसंद करके बस लेना है, इतना सा काम करना है। यहाँ पे आपको मधुबनी पेंटिंग वाली ना इस टाइप की लहठी वगैरह देखने को मिल जाएगी, देख सकते हो। हाँ हमारे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, जैसे हमारे यहाँ कुर्ती भी है, कॉट सेट भी है, सूट्स भी है, हमारे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी है, गिफ्ट आइटम्स भी है जो बच्चे लोग के लिए भी होते हैं, आपको प्लेन कुर्ती से भी हैवी ड्रेसेस तक भी मिल जाएंगे आपको, मतलब वन शॉप पे आपको सब कुछ मिलेंगे। सारा खिला के भैया मानेंगे। तो गैस ये तो मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग वीडियो के साथ, तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।